हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का पांचवा हिस्सा यानी आज हम शैल डिस्कस करते हैं। शैल भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके भी कुछ यूज है, कुछ मूड्स है। वो मूड्स कौन से है आइए जानते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द फर्स्ट पर्सन। जब हम फ्यूचर के मुतल्लिक बात करते हैं तो हम शैल इस्तेमाल करते हैं, मगर याद रखिए शैल फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। बट नाउडे इट इज़ लेस कामन विल इज़ यूज विद आल पर्सन्स फॉर एग्ज़ाम्पल। मगर एक बात याद रखिए कि ये ओल्ड इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ होता था जब हम फ्यूचर के मुतल्लिक बात करते थे। आज मॉडर्न इंग्लिश में विल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी शैल के मुकाबले में शैल के बजाय विल को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह मिसाल को देखिए, वी शैल सी यू अगेन, हम आपको दोबारा देख लेंगे या देखेंगे। तो यहाँ वी शैल सी यू अगेन, वी शैल शैल इस्तेमाल हुआ है वी के साथ, वी फर्स्ट पर्सन है और ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर की किसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ। इसी तरह शैल इज समटाइम यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्संस टू एक्सप्रेस अ कमांड, अ प्रॉमिस और थ्रेट। जब कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट को एक्सप्रेस करना हो, उसके मुतल्लिक बताना हो, तो फिर ये शैल सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ भी, थर्ड पर्सन्स के साथ भी इस्तेमाल होता था या इस्तेमाल होता है। यह मिसाल को देखिए, ही शैल नॉट एंटर माई होम अगेन, इस सेंटेंस में कमांड इस्तेमाल हुआ है, कमांड के लिए यह शैल यह थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल हुआ है ताकि कमांड को एक्सप्रेस कर सके या कमांड को वाजे कर सके। यह दूसरी मिसाल को देखिए, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, यह प्रॉमिस दिया गया है, किसी को प्रॉमिस दिया गया है और सेकंड पर्सन के साथ शैल इस्तेमाल हुआ है। यू शैल बी फिनिश्ड फॉर दिस एक्ट, यू शैल बी फिनिश्ड फॉर दिस एक्ट, यह किसी को धमकी दी गई है तो इसमें भी शैल सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल हुआ है। मगर याद रखो ये ओल्ड इंग्लिश में थे, अब इसका इस्तेमाल, शैल का इस्तेमाल बहुत कम है, रेयर है। इसकी जगह अमूमन मॉडर्न इंग्लिश में वेल का इस्तेमाल होता है। तो ये शैल के जो यूज़ थे हमने यह शेयर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।